Hello everyone, this is Brijesh Patel and I am working in Civil Engineering Department at Hanje Polytechnic. So now today we are discussing about the subject of concrete technology and the subtopic is the flakiness and elongation test of aggregate. Hello student, so aaj hum dekhenge ki flakiness and elongation test kaise hota hai in laboratory ke andar. फ्लैकनेस एंड एलोंगेशन का जो एम है वो एम ये है कि हम जो एग्रीगेट रोड के लिए यूज़ करते हैं वो कितने लंबे होते हैं और कितने थिकनेस में होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैकनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट को हम लेबोरेटरी के अंदर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सब इंस्ट्रूमेंट है. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वेट बैलेंस है 0.01 ग्राम एक्यूरेसी वाला. ठीक है, उसके बाद हमने जो एग्रीगेट लेना है 200 पीस सैंपल्स वो इसमें से हम कलेक्ट करेंगे. उसके बाद ये है हमारी थिकनेस गेज. तो उसमें क्या होता है कि इतनी थिकनेस कितनी है वो थिकनेस हम इसमें से अलग अलग सिर्फ उस गेज में से पसार करेंगे और उसके सैंपल्स लेंगे. उसके बाद आता है हमारा लेंथ गेज. तो लेंथ वाइज जो उसमें से मिलेंगे एग्रीगेट हम उसमें से पसार करेंगे. उसके बाद आती है हमारी सीव्स. तो यहाँ पर अलग अलग सीव्स दिए हैं हमारे 6.3 mm सीव्स है, उसके बाद 10 mm आती है, 12.5 आती है, 16 mm सीव्स आती है और लास्ट में आती है हमारी 20 mm. यहाँ पर जो हमने सैंपल लिया उसको हम क्या करेंगे 20 mm सीव्स में से पास करेंगे और 16 mm का रिटर्न सैंपल को कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 200 पीसेस यहाँ पर हमारे सैंपल के लिए ले लिया है और यहाँ पर हम वेट दे रहे हैं कि 1289.0. ठीक है, तो इस सैंपल को अब हम क्या करेंगे थिकनेस गेज के अंदर से हम एक एक पीस को पसार करेंगे और जो पीस पसार होता है 16 और 20 में से तो वो हम सैंपल के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है 16 mm से 200 पीसेस को यहाँ पर रखा है, तो अब हम क्या करेंगे इस सैंपल को थिकनेस गेज में से हम एक एक करके उसको पसार करेंगे 20 to 16 mm के थिकनेस में से. ठीक है, और उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसका वेट करेंगे. हम देख रहे हैं कि 20 और 16 mm से जो एग्रीगेट हमने लिया है वो पसार करेंगे और उसको सैंपल के लिए कलेक्ट करेंगे. ठीक है, अगर जो नहीं निकल रहा है उसको हम साइड में कर देंगे. और हमने जो सैंपल देखा कि 20 mm में से 60 mm पर रिटेन किया और हमने जो थिकनेस गेज में से जो निकाले वो सैंपल लिया उसका कलेक्ट करके उसका वेट लिया है, तो यहाँ पर हमको 75 या 76 ग्राम हमको मिल रहा है और उसको तो हम क्या कर लेंगे रीडिंग कर लेंगे सैंपल का. ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि 20 mm सीम से पसार होकर यहाँ पर 60 mm पे जो रिटेन हुआ उसका सैंपल वन का वेट हमको यहाँ पर 75 ग्राम मिला है. ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि सैंपल टू को कलेक्ट करेंगे और इसमें से पसार करेंगे. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने जो सैंपल टू कलेक्ट किया है उसका भी वेट हमने यहाँ पर रीडिंग कर लिया है, यहाँ पर हमको 61 मिल रहा है हमको. ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया कि सैंपल टू का लिया है उसका हमको 61 मिला है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने मीन डायरेक्शन डिस डायमेंशन कैसे ढूंढा है, तो यहाँ पर हमारा दिया है 20 mm और 16 mm, तो हमने यहाँ क्या किया 20 + 16 / 2, तो हमको क्या मिला 18 mm मिला. तो हमारा जो फॉर्मूला है कि डायमेंशन थिकनेस डायमेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि उसकी वैल्यूज होती है 3/5 मतलब 0.6 से लेस देन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखेंगे हम 3/5 * जो आंसर हमको मिला वो 18, तो यहाँ पर हमको कितना आंसर मिला 10.8, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी. ऐसे ही सबकी फॉर्मूला की रख के हमने ऐसे रखी है. ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि 20 में से हमने 16 में से जिसको रिटर्न किया वैसे ही हम दूसरे 200 पीस को ले गए और 18 में से 12.5 वैसे 12.5 और 13 में से और लास्ट आता है हमारा 10 में से 6.3 में से जो रिटेन रहता है उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसका फिर से वेट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि 20 mm और 20 mm से पासिंग और 60 mm पर रिटेन दिया, उसका सैंपल वन लिया, उसका सैंपल टू लिया. वैसे ही हमने अलग अलग सीव में से पासिंग करके सबका सैंपल कलेक्ट किया है सैंपल वन और सैंपल टू का. आखिर में हमने यहाँ पर 418 पे टोटल किया, 418 आया सैंपल वन का और सेकंड का है हमारा 397.
तो उसको क्या हमने क्या किया कि दोनों को प्लस किया और उसको डिवाइड बाय टू किया, हम तो आंसर 407.5 मिला। उसको बाद उसको फॉर्मूला में हमने रखा है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमको फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए फॉर्मूला रखा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू आउट वेरियस थिकनेस गेज डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ टेकन। तो हमारा जो आंसर मिला हमको यहाँ पर 407.5 डिवाइड बाई हमारा टोटल वेट था जो एग्रीगेट का वो 1200 ग्राम था, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी और इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ किया तो यहाँ हमारा आंसर मिला है हमको 33.95। तो जो हमारा जो आंसर होता है वो 45 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45% से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा जो आंसर मिला है एकदम परफेक्ट है और हम इसको रोड के लिए एप्लीकेट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि एलोकेशन टेस्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर एलोकेशन टेस्ट की जो लेंथ गेज है वो यहाँ पर है, हमारे पास यहाँ पर रीडिंग दे दिया है हमको 20 mm से 60 mm की लेंथ में जो पसार करना है 16 में से 12 में, 12.5 में से 10 में और यहाँ पर आखिर में 10 में से 6.3 में जो पसार करना है वो हमको यहाँ पर से हम लेंथ वाइज उसको पसार करेंगे एग्रीगेट को, ठीक है। यहाँ से पसार करेंगे 20 mm और 60 mm से जो एग्रीगेट यहाँ से लेंथ वाइज जो निकलता है उसको हम आसानी से यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जो नहीं निकलता है उसको अलग रखेंगे। और एक ध्यान रखना है कि हमको लेंथ वाइज जो एग्रीगेट निकलता है उसको ही सैंपल में कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने लेंथ गेज कैसे निकाली है। तो हमारा यहाँ पर मेन डायमेंशन है जिससे हमने पहले भी सीखा कि 20 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 हमने किया तो हमको 18 mm मिला। जैसे हम देख रहे हैं कि विथ में हमने 3 डिवाइड बाय 5 लिया था तो यहाँ पर हमने 1.8 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे एलोंगेशन का फॉर्मूला ये है कि 1.8 से मोर देन होना चाहिए, ठीक है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला में 1.8 रखा है इनटू मल्टीप्लाई जो आंसर आया उसको 18 रखा है, यहाँ पर 32.4 mm, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने भी क्या रखा है 32.4 mm की जो वैल्यू रखी है वैसे ही हमने सारे सैंपल की वैल्यू यहाँ पर से निकाल के यहाँ पर काउंट की है, ठीक है। जैसे कि हमने कि देखा कि हमने 20 mm से 16 mm की लेंथ में से जो गेज में से पसार किया वो सैंपल है हमारा W1 और W2 का, दोनों का सैंपल कलेक्ट किया। यहाँ पर 20 में से 16 में से जो पासिंग हो रहा है यहाँ पर रिटर्न हो रहा है 124 ग्राम है। यहाँ पर दूसरा सैंपल है 140, ऐसे ही हमने सब सैंपल को टेकन किया है। यहाँ पर 10 mm से लास्ट में से 6.3 तक हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किया उसके सबके रीडिंग यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिए। यहाँ पर फाइनली हमने सैंपल 1 का टोटल किया और यहाँ पर सैंपल 2 का टोटल किया और यहाँ पर दोनों को प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पर हमको आंसर मिला है 506.5 ग्राम्स। और उसके बाद हमने क्या किया है कि एलोंगेशन का जो इंडेक्स का फॉर्मूला उसका उसमें हमने रखा है तो उसके आंसर हमको जो मिल रहा है वो 506.5 डिवाइड बाय हमारा जो टोटल एग्रीगेट का वेट था वो 1200 ग्राम, तो उसको मल्टीप्लाई किया हमने 100 से तो हमको तो वैल्यू क्या मिली 42.20 हमको वैल्यू मिली है, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू है 45 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा फ्लैकीनेस और एलोंगेशन टेस्ट हमने जो यहाँ पर लेबोरेटरी में किया है तो आप सभी को पता चल गया होगा तो कैसे ये टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है और किस तरह उसको वैल्यू चेक की जाती है लेंथ और गेज वाइज, ठीक है। तो आपने जो ये प्रैक्टिकल वीडियो आज देखा उससे आपको कितना नॉलेज गेन हुआ है वो जानने के लिए हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई जिसमें एमसीक्यू टेस्ट रखा है वो आपको देना है ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है। सो नाउ थैंक यू।